हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बनने बस स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0.1% मतलब 10% कैसे होता है। आप लोगों को 0.1% के मतलब 0.1% ही होता है, ऐसे आप लोग के पास आइडिया है। एंड अगर 0.1% 10% होता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग का माहौल ही कुछ अलग होगा। तो मेरे फर्स्ट आप ट्रिक्स हम बोल सकते हो, आप एक स्ट्रेटजी बोल सकते हो। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0.1% कैसे 10% में कन्वर्ट कर सके पकड़ सकते हैं। ट्रेडिंग के मामले में अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास स्टॉक ट्रेडिंग का कोई भी चार्ट है, तो उस चार्ट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा पहला सवाल होगा और पॉइंट होगा कि बैंक निफ्टी का जो अभी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का वैल्यू है, ये मैं फ्यूचर वैल्यू दिखा रहा हूँ, ये फ्यूचर बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है, इसका वैल्यू 43,300 के आसपास है। मेरे पास एक सवाल हर ट्रेडर के लिए और जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म से ट्रेड करते हैं और जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, थोड़ा बहुत ट्रेड का आइडिया है कि कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो, तो मेरा प्राइमरी क्वेश्चन है कि आप क्या बैंक निफ्टी से 0.1% दैट मीन्स कि 40 पॉइंट निकाल सकते हो डेली बेसिस? अगर है तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अगर नहीं है तो उस 0.1% निकालने के लिए ट्रिक्स निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे ख्याल से मेरे लास्ट वाला वीडियो, बहुत बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं दिखा चुका हूँ कि मैं बैंक निफ्टी से कैसे 40 पॉइंट निकाल सकता हूँ। आप भी निकाल सकते हो अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो। थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 40 पॉइंट मेरे ख्याल से अगर आप एक डे ट्रेडर हो, आप बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करते हो, तो मेरे ख्याल से 40 पॉइंट निकालना बहुत इजी है। अगर आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर काम आप जानते हो, वो मूविंग एवरेज हो सकते हैं, वो CCI हो सकते हैं, वो RSI हो सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगा लो, एंड उसका बेसिक जो ट्रिक्स है उसको अगर, और बेसिक जो टेक्निकल जो स्ट्रेटजीज होता है वो अगर आप फॉलो करोगे, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी से आप 0.1% दैट मीन्स 40 पॉइंट निकाल सकते हो। अगर यही 40 पॉइंट आप निकाल लोगे ना बैंक निफ्टी से, तो मेरे ख्याल से आप 10% गेन कर सकते हो आपके कैपिटल के ऊपर। ये तो बहुत कंफ्यूजन का ऊपर कंफ्यूजन हो गया कि आप बोल रहे हो 0.1%, आप बोल रहे हो 10%, तो दैट्स ए मेजर डिफरेंस। तो ये कैसे मैं कंक्लूड करूँगा, इसको कंक्लूड करने के लिए आपको मैं ऑप्शन मार्केट में ले जाऊँगा, क्योंकि ऑप्शन मार्केट ही एक मार्केट है जिसमें से आप वही 10% इंट्राडे में गेन कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे जो मैंने जो बोला वो आप भी सहमत होगी कि हाँ, 10% इंट्राडे में ऑप्शन से ही आप निकाल सकते हो, कि क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर 10% आएगा तो वो न्यूज़ बेस में आएगा, वो लाख में फेवर करेगा, मगर 10% अगर इधर उधर कुछ भी आपको 10, 15, 50, 100, 200, 300, 400% आपको आपको कुछ आप देख पा रहे हो, तो वो ऑप्शन मार्केट में ही एक्चुअली पॉसिबिलिटीज़ है। तो आज मैं दिखाऊंगा लास्ट वाला ट्रेडिंग सेशन का
थोड़ा बहुत सिनेरियो, मैं 0.1% कैलकुलेट करूँगा कौन सा चार्ट टाइम फ्रेम, जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो है 3 मिनट का चार्ट पैड। 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, ये दोनों चार्ट आपको 0.1% की टारगेट के आसपास ले जा सकता है अगर प्रॉपरली आप टेक्निकली फॉलो करते हो तो। मैं ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगा कि आप 10% से ज़्यादा आप ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपेक्टेड करते हो 10%, तो मेरे ख्याल से आप वो 10% मार्केट से आपको मिल सकता है। तो कम टू द पॉइंट एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मैं कन्फ्यूज़न खड़ा नहीं करूँगा, बहुत इजी ट्रिक्स दिखाऊँगा। ये ट्रिक्स देखिए, आप कोई भी ट्रिक्स लगा लो उसमें से आपका टारगेट है 0.1%। तो मेरे जो सिनेरियो है और मेरे जो ट्रिक्स है वही आप लोगों के साथ मैं जस्ट शेयर करूँगा कि कौन सा ट्रिक्स मैंने लगाया और कौन सा ट्रिक्स से वो 0.1% कॉन्फर्म किया एंड उसके साथ भी 10% ऑप्शन मार्केट में भी लिया हो, उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन और कुछ स्टेप्स है। चलिए मान के चलिए ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड में मेरा जो पुराना जो सिनेरियो है उसके ऊपर से ही मैं आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करूँगा। ये जो सिनेरियो है आप देख सकते हो एक पॉजिटिव ट्रेंड, मगर आप अगर देखोगे चार्ट में प्राइस में ये नेगेटिव ट्रेंड, तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगा कि ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंसी से ब्रेकआउट के बाद परचेस करना है। तो ये देखिए ब्रेकआउट लेवल जनरेट हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये ब्रेकआउट जोन हुआ है इस कैंडल में। ओके, तो इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या था, मैं जस्ट अप्रोक्सीमेट आपको दिखा रहा हूँ, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस था ए। आप मैं अगर यहाँ पे कार्सल ले आऊँ, आप देख पा रहे हो कि ये जो क्लोजिंग दिखा रहा है ये क्लोजिंग कितने के तक दिखा रहा है, 43 to 40। ओके, 43 to 40 कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट मैं आपको, चलिए ये मान के चलिए कि 238 और 240 जो भी है, इसमें हम लोग पोजीशन ले सकते हैं बाई पोजीशन। ओके, एंड ऑब्वियसली मेरा टारगेट क्या है, 0.1%, दैट मीन्स 40 पॉइंट, दैट मीन्स 43 to 80 हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। तो इसमें ये जो दिखाया है ये हाई दिखे है, ये मुझे 280 चाहिए, 260 हुआ है इसमें, 260 हाई, ए स्पाइक में देखिए 332 का हाई हुआ है, इसमें 332 का हाई हुआ है, दैट मीन्स इसी कैंडल में आपका टारगेट 0.1% अचीव हो गया है। ये कौन सा लेवल देख रहे हो, जब मैंने परचेस किया था इसका 43 to 38 इसका प्राइस था, 16 दिसंबर इसका डेट है एंड 11 बज के आसपास हम लोगों का टारगेट, सॉरी हम लोगों का एंट्री पॉइंट जनरेट हुआ है 43 to 40 में, एंड उसका 0.1% 43 to 80, जो ऑलरेडी 3-4 कैंडल में प्रॉफिट हो गया। ये कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लीजिए, मुझे 0.1% रिक्वायरमेंट है, ये 0.1% के हिसाब आपको शायद मिल गया है। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन में, मार्केट कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कब सा कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे। 43 238 अगर चल रहा है तो आपका उसका नियर ऑप्शन चूज़ करना है एंड ये अगर बढ़ेगा दैट मीन्स आपको कॉल चूज़ करना है। तो मुझे बैंक निफ्टी का, ये मैं बैंक निफ्टी का पूरा ऑप्शन, सॉरी फ्यूचर बैंक निफ्टी, पहले बैंक निफ्टी निकाल लेते हैं दिसंबर का। ओके, एक चार्ट में बैंक निफ्टी जो 3 मिनट चार्ट में मैं इधर में रखा हूँ। ओके क्लियर, एंड सेकेंडली मुझे बैंक निफ्टी का 40 सॉरी मुझे ऑप्शन लेना है एंड इसर में टाइप करना है, फोर्टी थ्री हंड्रेड इसको नियरेस्ट अपर कॉल यही रहेगा, 22nd इसका 22nd जो दिसंबर का जो कॉल है इसको मैं ऑप्शन के हिसाब से मैं चूज़ कर रहा हूँ।
ओके लेट्स चेक, आ गया है। एंड इसको भी मैं 3 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरे आपको शायद याद हो कि मेरा जो टाइम था जिसमें मैंने परचेज करने के लिए एग्जीक्यूट हुआ था वो 10:57, 10:57। तो 10:57 का मुझे 16th का 10:57 का मुझे देखना है। आप देख सकते हो 10:57 10:57, ए था 10:57, ए देखिए ए था 10:57 उधर में। इसमें भी वो ही चार्ट दिखाएगा, देखिए 10:57 अगर मान के चलिए, ए 10:57 ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, ऑप्शन में वही प्लेस में जो प्राइस दिखा रहा है 225 रुपया दिखा रहा है। चलिए मार्क करते हैं 225 को, 10:57 10:57 225, चलिए 26:30 का आसपास मैंने मार्क करता हूँ। एंड मेरा जो टारगेट क्लोज हुआ था 11 बजे 12 मिनट को, 11:12 11:12 में कौन सा प्राइस था वो भी दिख लेते हैं। 11:12 इसमें देखिए प्राइस देखिए 250, इसका हाई प्राइस अगर आप मान के चलिए, इसमें इधर में हाई दिखाएगा तो इस कैंडल में हाई 257, तो मैंने मान के चलिए 253 मान के चलिए। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए कि 226 का 10% कितना होगा, 226 का 10% दैट मीन्स 22 रुपया। अगर 22 रुपया इसके साथ आप जोड़ दोगे, तो मैं कैलकुलेटर के साथ ही आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर 226 प्लस 22 करते हैं तो 248 हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। अगर टारगेट मिला 253, 257 इसका हाई दिखाया, दैट मीन्स आपका 248 टारगेट मिल गया है। यही लॉजिक अगर हर टाइम आप अगर अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। 10% 10% इसी 10% आप इजीली, मैं आपको बोल रहा हूँ इजीली एक्सेस कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत और एक एग्जांपल देता हूँ। ये डे एंड क्लोज है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, तब भी मैं एक देख लेता हूँ कि ये 10% हुआ है कि नहीं। ये देखिए पॉजिटिव ट्रेंड, ये भी पॉजिटिव ट्रेंड। एंड अब अगर ब्रेकआउट जोन देखिए, इसको ब्रेकआउट मारा, देखिए ए पॉजिटिव ट्रेंड ए नेगेटिव ट्रेंड, दैट मीन्स पॉजिटिव डाइवर्जेंसी। हम लोगों को जो पॉइंट है वो पॉइंट देखना है, इस पॉइंट को देखते हैं लास्ट एंड में इसका 10% आया है कि नहीं, 0.1% बैंक निफ्टी में आया है। इसका क्लोज जो है 43268 एंड इसका हाई हुआ है 43344, 268 268, 40 पॉइंट चाहिए। दैट मीन्स 43268 प्लस 40 दैट मीन्स 308, 300, 43310 मुझे मेरा टारगेट होना चाहिए, किंतु मेरा हाई दिखाया 43344। आप इधर पे हाई देख सकते हो, मैं एक कर्सर लिया हूँ, वो हाई देखिए 43344। ऑप्शन में चला जाता है कि लास्ट एंड में वो टाइम कितना था, ये टाइम था 15:06 15:06 में क्या प्राइस था ऑप्शन में वो देखते हैं। 15:06 15:06 पे के इसका क्लोजिंग इधर में देखिए, इसका क्लोजिंग देखिए, लो देखिए हाई देखिए 15:06। इसमें अब देखिए इसका क्लोजिंग है 216 रुपया 216 रुपया 216 रुपये का इसका क्लोजिंग है। एंड मुझे चाहिए कितना चाहिए, 216 प्लस 10% 216 प्लस 10% 21 रुपया, दैट मीन्स 237 हम लोगों का टारगेट चाहिए। कितना हुआ है, ऊपर गया है कितना, 246 49, बहुत ऊपर चला गया है। देखिए टारगेट चाहिए 237, मिल गया है 246। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट ट्रिक्स। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, बैंक निफ्टी बहुत इजी है, मगर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि आप जो जब भी इस ट्रेड को आप ले रहे हो तो जो कॉल और ऑप्शन का, जो ऑप्शन का कॉल और पुट जो ऑप्शन का है उसका चूज बहुत ध्यान से करिएगा। प्रीमियम, छोटा प्रीमियम में मत जाइए, ये बड़ा प्रीमियम में अगर आप एक ही लॉट लीजिए मगर सेफ जोन में लीजिए, एक ही पॉइंट में टिका रहिए कि स्टिक रहिए कि स्टिक रहिए कि मुझे इसको अगर
कवर करना है तो मुझे 10% का ही टारगेट होना चाहिए। 10% ज़्यादा एक्सपेक्ट अगर कर रहे हो तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रायल करो। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि स्टॉप लॉस लास्ट जो स्पाइक जो लो है उसको स्टॉप लॉस रखिए। ये जो स्पाइक लो आप देख पा रहे हो इसको स्टॉप लॉस रखिए। लास्ट लो को स्टॉप लॉस रख के आप इजीली बैंक निफ्टी और कोई भी ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन के ऊपर 10% ले सकते हो। मगर ऑप्शन जो चूज़ कर रहे हो वो नियरेस्ट ऑलवेस्ट क्लोजेस्ट और नियरेस्ट ऑप्शन प्रीमियम ही चूज़ करिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करिए। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जब मैंने बोला था तब ऑप्शन चल रहा था 43 to 38, तो उसके सबसे कॉल मतलब ऊपर भागे का मतलब नियरेस्ट जो है वो 43 300 ही है, तो मैं 43 300 को ही चूज़ किया हूँ। नेक्स्ट सेशन में आप देख सकते हो कि ये जो कॉल है ये क्या कितने में क्लोज हुआ था, 43 268, तो भागे का ऊपर भागे का था दैट मीन्स 43 300, तो 300 मेरा कॉल चूज रहेगा। आप ले सकते हो 43 200 भी ले सकते हो, आप 43 300 ले सकते हो, मगर 43 400 लिटिल बिट रिस्की हो जाएगा। मेरे ख्याल से 43 200 और 300 के ये जो रेंज है इसी रेंज में आप ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट चूज करिए। दैट्स ऑल। बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, मगर कोई भी ट्रिक्स आप अप्लाई कर सकते हो इस 40 पॉइंट्स के लिए एंड 10% के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।